हेलो गाइस, आज मेरा व्यवहारिक हिंदी ए का एग्ज़ाम था, तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन आए थे, नहीं टोटल 8, हाँ 4 ही थे। हर क्वेश्चन में चॉइस थी और हमें कोई 4 ही करने थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, और ये एग्ज़ाम 2 घंटे का था, ये टोटल 60 मार्क्स का था। फर्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क हेतु हिंदी का व्यवहारिक रूप क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। और इसी के चॉइस में था, बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी कितनी सहज और वैज्ञानिक है, अपनी राय व्यक्त कीजिए। और इसमें हर क्वेश्चन जो था वो 15 नंबर का था। क्वेश्चन सेकंड है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के भौगोलिक विस्तार की चर्चा कीजिए। और इसके अथवा में था, कलकतिया हिंदी की कुछ खास विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन थर्ड, मॉल कलवर ने हिंदी को कितना और किस रूप में प्रभावित किया है, उदाहरण सहित लिखिए। और इसकी चॉइस में था, कुछ प्रचलित पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से बैंकों की पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन फोर्थ, कार्यालय के समय में परिवर्तन की सूचना देते हुए पत्र लिखिए। पत्र में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों को रेखांकित कीजिए। एक और इसके अथवा में था, एक पर्यटक के रूप में किसी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल की विशेषताएं लिखिए। तो ये क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।